आज का रिव्यू जो हम करने जा रहे हैं बड़ी डिफरेंट सी गाड़ी बनी हुई है और मेरे साथ रोहन मौजूद है। रोहन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। सर आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। पहला सवाल मैंने इनसे बैठ के साथ पूछा था कि आप 18 साल के हैं, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, तो ये उम्र के चोर हैं। असल में 18 से ऊपर है, लेकिन मुझे लगे था कि बड़े कोई यंगस्टर हैं और शायद ये ना हो कि बाद में लोग कहें कि जी आपने जो रिव्यू किया है इनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं था। तो आपको लाइसेंस है भाई? जी सर। कब से है? सर 2 ईयर्स हो गए। शुक्र है, 3 नहीं कह दिया नहीं तो फिर मसला खड़ा हो जाना था। अच्छा जी, सबसे पहले रहा था अपने गाड़ी का जो मेक मॉडल और वेरिएंट बताएं हमारे यूजर्स के लिए। सर सुजुकी वैगन आर 2016 मॉडल VXL। VXL वैगन आर 2016। अच्छा, ये बड़ी डिफिकल्ट गाड़ी है तैयार करने के लिहाज से, क्योंकि आमतौर पर बंदा देखे तो लोग इसको टॉल बॉय को साबुनदानी को कुछ कहते हैं, तो ये आपकी पहली गाड़ी है? जी पहली गाड़ी है। और कैसे फैसला किया कि वैगन आर लिया जाए, क्योंकि यंगस्टर ज़्यादातर वैगन आर के हक में नहीं होते? सर 2016 में ना वैगन आर घर वालों ने परचेज की थी। ठीक है। तब मैं गाड़ी नहीं चलाता था। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 2018 में मैंने गाड़ी चलाना शुरू की। सही है। फिर मुझे ये गाड़ी मिली। सही है। अब आपको पता है ये मेरी वेरी फर्स्ट कार थी। ठीक है। तो मैं ऐसे क्या घर वालों को कह भी नहीं सकता था कि आप ये मुझे सेल करके कोई और गाड़ी लेते हैं। समझ गया मैं, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि फर्स्ट गाड़ी जो अक्सर उस तरह मिलती है फिर बंदा उस टाइम कहता है जेड़ी आ रही आंदो। जी बिल्कुल ठीक है। तो आपने यानी आपको बाकायदा तौर पर आपके हवाले 2019 सर 19 मैं फाड़ लिया, फिर भी 18 साल तो पहले गाड़ी चला रहे थे। अच्छा जी, यही मैं पता करने की कोशिश करता काफ़ी देर से, डायसेक्ट हो गया। अच्छा जी, 2019 से आपके पास है और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता फैसला किया कि इसको चेंज करें। अभी तो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्योंकि जब इंसान स्टूडेंट होता है तो इंसान कहता है यार बजट कम है। सर प्लान कुछ भी नहीं किया, बस जैसा माइंड बनता रहा करते रहे। ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या गाड़ी में चेंज की थी? सबसे पहले सर ड्रॉप की थी और अलार्म डाले थे। ड्रॉप की थी और अलार्म डाले थे, ये 2021 की बात है? 20 कोविड के दिनों में ड्रॉप करें। अच्छा, और तब कॉइल ओवर्स के ऊपर थी? नहीं, लॉरेंस पे। और अब तो ये मेरा ख्याल एयर पे है? जी अभी एयर पे। अच्छा, और मेरा ख्याल वाहिद ही होगी वैगन आर जो इस सेटअप में? अभी तक की बनवाना है। वाह जी वाह। और इसके जब आपने इसमें वो डाला है, आप बता रहे थे कि शुरू में पहले लॉरेंस डाले, उसके बाद अगली चीज़ क्या की? साउंड सिस्टम। अच्छा, यू समबडी हु लव साउंड। जी गुड गुड। और अलॉय जो भी डले में यही डालते कि और डाले? नहीं, सबसे पहले सर इसके सिंपल अराइवल्स थे। ठीक है। उसके बाद इसमें डीप डिश डाले। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें वॉशन के रिम डाले। सही उसके है। बाद हमने ये रिम डाले, मतलब चार दफ़ा रिम डालते। जी चार दफ़ा रिम डाले। जी भाई, ये तो आपने बड़ा नुकसान होता होगा हर दफ़ा कि सही रहता है? हो जाता सर नुकसान, कोई बात नहीं, फिर शौक है। अच्छा अच्छा जी, अब ये जो एयर वाला आइडिया ये कैसे आया था और ये कितने अरसे से लगा हुआ सेटअप अभी इसमें? सर ये 3 मंथ्स हो गए। ठीक है। और ये ऐसे आइडिया आया था कि जहाँ हम रहते हैं एरिया में वहाँ स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो हम थोड़े से तंग होते थे गाड़ी ड्रॉप पे। अच्छा। फिर यही जहन में आ रहा था कि बस एयर डाल देते हैं इसमें, सुकून से जब दिल किया गाड़ी को और जस किया हाइट पे और आराम से निकल गए। सही। अच्छा, ये कितने का खर्चा होता है इस पे एयर का जो है? सर ये मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है 370। जी। और ये कौन से वाले? 2-3 होते हैं, एक रिमोट वाला है, एक ब्लूटूथ वाला है। ये रिमोट वाला है। अच्छा, स्टूडेंट दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, मेरे साथ तो एटलीस्ट ये थी, आपका पता नहीं उस ज़माने में, आजकल तो 1000 की भी वैल्यू नहीं, 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे और 2-3 दिन गुजारते थे, फिर होता था यार अगली बारी कब डलवाना है। वो जब बाइक फ्यूल एवरेज क्या है? फ्यूल एवरेज कभी नहीं इसके देखे, कहाँ पढ़ते हैं भाई, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी सर ऐसे देखने की, कमाल हो गई। अच्छा, अभी भी नहीं पता क्या एवरेज है? अच्छा, वैगन आर में एक प्रॉब्लम आती थी, एक तो उसकी शक्ल बड़ी डिफरेंट सी थी, उसके बारे में लोगों के बड़े बयान थे, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है अगले 2 पावर विंडो आते थे, पिछले नहीं। जी बिल्कुल। आपने कराया कि नहीं? नहीं अभी तक नहीं करवाया, उससे नहीं कोई आपको फर्क पड़ा, लगता है अकेले फिरते हैं। जी। अच्छा, इंटीरियर में भी मैं देखता हूँ काफ़ी कार्बन फाइबर स्टाइल, आपने स्टिकरिंग वगैरह की हुई है, एम्बिएंट लाइट लगाई हुई है, मैसेज बड़ा अच्छा लिखा भाई, किसका कहना वैसे? गुड थिंग्स टेक टाइम। सर ये नहीं मुझे कंफर्म है, लेकिन आपका बिलीव है ये? हाँ, ये अच्छा बिलीव है। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ ऑल गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। अच्छा, ये क्या है भाई? ये इसको देख के तो मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कौन याद आ रहा है, लेकिन इसकी क्या स्टोरी है? पीछे भी गाड़ी के मैंने कहीं देखा है ये, पहले पीछे ही लगा हुआ था, लेकिन ये JDM आटा हमने पीछे से रिमूव करके से इंटीरियर में इंस्टॉल किया और पीछे हमने चेंज कर दिया। पीछे भी कुछ लटक रहा है अभी मैं जब यही है आर टी है। अभी तक दिया नहीं आपने किसी? नहीं सर। गुड, अच्छी बात है, इसीलिए गाड़ी पे पैसे लग रहे हैं, वरना कहीं और लग रहे थे। अच्छा, इसका आपने हेड यूनिट डाला हुआ, यहाँ पे तो कुछ नहीं होता था, खाली होता है, ये क्या होता है? इसके अंदर सिंपल ही आता था, सिंपल आता था, पाता था सर। अच्छा, इसकी जो डिगी वो तो पहले छोटी थी, आपने मेरा ख्याल है उसमें वो रख दिया होगा कंप्रेसर? इसमें हमने सर पहले साउंड सिस्टम में बजूका इंस्टॉल किया इसमें। ठीक है। उसके ऊपर हमने इसका सारा ट्रंक सेटअप रखा। बजूका क्या होता है भाई?
सॉरी मैं पेंडू आदमी यार। सर बजूका खड़ा आएगा, खड़ा बजूका होता है जिसमें वूफर और स्पीकर्स इंस्टॉल होते हैं, जिसको पहले वो कहते थे बेस ट्यूब टाइप कहते थे या साउंड बॉक्स कहते थे, साउंड बॉक्स कह सकते हैं। अच्छा, तो उसके अलावा वो भी पड़ा हुआ है और वो अभी वो भी पड़ा हुआ है। हां जी, एयर का सेटअप भी पड़ा हुआ है। क्या इसकी मेंटेनेंस वगैरह कहां से कराते हैं? मेंटेनेंस सर अपने उधर एरिया से, सुजुकी की वर्कशॉप से निकालते हैं। और एवरेज ऑयल चेंज वगैरह कितने अरसे बाद होता है? सर माइलेज पर डिपेंड करता है, वैसे 2 to 3 months बाद, क्योंकि मेरी यूजेज बहुत कम है। नहीं, कितने किलोमीटर्स बाद में पूछ रहे हैं? 3000। और क्या कॉस्ट करता है? 7000। ओए होए होए होए, ये तो 2 रुपए से भी ऊपर चला गया। जी के प्लस। अच्छा, गुड गुड। अच्छा, वैगनआर के जो पार्ट्स हैं जनरली, वो सुना है कि आम सुजुकी की गाड़ियों से महंगे हैं, क्या ऐसा सच है? सर सच है, अभी तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पार्ट्स कभी ऐसे ब्रेक नहीं हुए। नहीं, वैसे कोई आइडिया है, मतलब होता ना कि पता कि जो ऑल्टो की चीज़ें सस्ती हैं, मेहरान की सस्ती हैं। आप ये कह सकते हैं कि ऑल्टो और मेहरान की सस्ती है। सही है। कोई चीज़ जो गाड़ी में मिस करते हो, यार अभी मैंने प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैंने इसमें और ये भी पंगा लेना भी है, कोई आगे फर्दर डाउन द लेन कोई प्लान हो उसके अंदर साथ करने का? सर फिलहाल तो जितना मैं इसके साथ पंगे ले सकता था मैंने ले लिया। अच्छा, तो अब इसमें और कोई चीज़ रह नहीं। ये बाहर मैं देख रहा था कि आपके बोनेट के ऊपर इसको रैप किया हुआ। जी, फौज का आपका फाइबर में बोनेट और फेंडर रैप है। अच्छा, एक फेंडर दोनों नहीं किए? नहीं, दोनों फेंडर। अच्छा, मैंने कहा बराबरी नहीं की, मैंने शायद एक स्टाइल दे दी है। तो बाकी गाड़ी को कलर का कभी चेंज करने का प्लान बना कोई? गाड़ी का कलर टोटल जेन्युइन है ना। अच्छा, तो इस वजह से रैप शैप तो जेन्युइन ही खराब करता, लेकिन नहीं कभी नहीं सोचा। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जरा जो कलर है ना वो आपकी एज के साथ नहीं जा रहा, थोड़ा मेरी एज की तरफ का है जी। गियर नॉब भी, गियर नॉब बड़ी ये आम प्रॉब्लम मुझे नजर आई है। एपीसी ये यूज करके देखा आपने? जी सर। क्या फीडबैक है? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। किस लिहाज से बताएं? मेरा तो फेवरेट प्रोडक्ट है, लेकिन आपको क्यों पसंद आई ये बता दें। सर ये शाइन ले आता है बहुत प्यारी, नीट नीट बहुत अच्छा कर देते हैं इंटीरियर को, एक्सटीरियर को। इस वजह से मैंने जब भी गाड़ी को डिटेल करना हो, मैं खुद ही करते हैं, खुद ही कर लेता हूँ। अच्छे, दरवाजों में भी एम्बिएंट लाइट मैंने देखा, यहाँ भी लगी, यहाँ भी लगी। सही सही। अच्छा, वैसे वैगनआर के कोई नॉन फॉल्ट हो, अगर किसी ने वैसे लेनी हो, आपने तो बहुत तैयार करके ली है, लेकिन जब आपके घर वाले भी चला रहे थे, आपने बताया 16 से आपके पास है, तो कोई ऐसी चीज़ जो बंदे को पता हो यार ये इसमें मसला आता है? इस तरह रीबॉर्न में हमेशा आया था कि जी स्टेयरिंग का कंघी का मसला था, फिर रीबर्थ पे था, या डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट मसले आते हैं, इसका कोई नॉन फॉल्ट हो? कोई फेस नहीं किया अभी तक। अच्छा, क्योंकि जब से मैंने चलाना शुरू किया मैं मॉडिफिकेशंस में आ गया था, तो आपको पता है फिर एक प्रोजेक्ट गाड़ी तो वैसे नहीं कंप्लीट होती। हाँ, तो घर वाले नहीं कहते यार अच्छी खासी गाड़ी तू की कर देना? स्टार्टिंग में जरूर कहते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आप पसंद आ गई? अच्छा, तो लोग कितना सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि ये अच्छी लग रही है, या लोग कहते हैं कि नहीं यार अदा कर रहे हैं, इतने पैसे पा के कुछ अच्छी ले लेनी चाहिए? सर अभी तक मैं जिधर भी गया हूँ ऐसे लेके, मुझे इसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला, सब ने सपोर्ट ही किया। अच्छा, पिछली लाइटों को भी कुछ किया? जी, वो क्या किया? लाइट्स वो क्या किया? वो आरजीबी टेल लाइट्स बनवाई। और ये पाकिस्तान से बनती कि बाहर से? पाकिस्तान से। अच्छा, तो क्या कॉस्ट आती है आरजीबी टेल लाइट? सर ये मुझे आई थी 22,000। अच्छा, और इनकी ड्यूरेबिलिटी है, चलती है? जी ड्यूरेबिलिटी है, 1 ईयर प्लस हो गया मुझे, मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, पानी शानी तो नहीं जाता? या तो जेन्युइन गाड़ी की जाती है 0 मीटर, उसके अंदर पानी जा रहा था। अच्छा, व्हील्स का साइज क्या डाला है आपने? 14 इंच। 14, इसमें जेन्युइन 12 आता है? 13। सही। और आपने वो स्टैगर्ड वगैरह तो नहीं किया हुआ व्हील सेटअप, या उसको वो कैम्बर भी नहीं किया हुआ? कैम्बर पे, कैम्बर है। कितने अरसे बाद टायर उड़ाती है? सर अभी लॉन्ग पे तो नहीं मैं हेयर लेके गया, इसे मैंने आपको बताया मेरी यूजेज बहुत कम है, तो कुछ कह नहीं सकते अभी तक। वैसे मुझे कभी फील नहीं मैंने किया अभी के टायर इसका फिनिश। जब से लिए अभी तक एक ही टायर चल रहा है? जब से कैम्बर हुई है तब से एक टायर। और कितना अर्सा हो गया कैम्बर हुए? 3 to 4 months। 3 to 4 months। और ये हाई स्पीड पे तो फिर स्टेबिलिटी का इशू? स्टेबिलिटी है ही नहीं कैम्बर की, आपको पता स्टेबिलिटी है ही नहीं। नहीं नहीं है, ये सिर्फ हमने कैम्बर किया था फिटमेंट के लिए। अच्छा, तो जनरली जितनी भी गाड़ियाँ कैम्बर वाली हैं वो यानी आप एक नॉर्मल स्पीड से ऊपर नहीं चला सकते? आप चला भी सकते हैं, स्टेबल लेकिन स्टेबल नहीं है, डर लगता है। तो फिर अगर शहर से बाहर जाना है तो आप उसको नॉर्मल पे लेके आए फिर करें? हाँ। तो आप ऐसे इसको कभी शहर से बाहर लेके गए? नहीं अभी तक। अच्छा, अभी यानी शहर के अंदर ही घूम रही गाड़ी? सही सही सही। यूज़र ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो आज के रिव्यू में आपको नज़र आया कि वैगनआर जो आप सामने देख सकते हैं ऐसी शक्ल इसकी इस गाड़ी की, और इन नौजवान ने इसको बड़ा खूबसूरत बना दिया। ये भी VXL वैसे है ना, ये वाले रहम आप करते ना आते हैं जी। अच्छा, सो बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, और ये कहते हैं ना शौक था कोई मूल नहीं, इन्होंने 3-4 टायर के सेट चेंज कर दिए हैं, और जो है एयर का सेटअप जो कि मैं बड़ी सालों से सोच रहा हूँ अपनी मर्सिडीज़ का ख़राब हो और सही कराने का पैसे नहीं इकट्ठे होते, इन्होंने वैगनआर पे करा लिया। सो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिले। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।